हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए नोटिफिकेशन के साथ हैं, जो कि नोटिफिकेशन आपका भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मंगलगिरी आंध्र प्रदेश की तरफ से है। और हम इस जॉब नोटिफिकेशन में देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, आपका कब से स्टार्टिंग है, कब एंड है, क्या आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है और किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो एक एक करके इन चीज़ों को देखेंगे। तो आपका फर्स्ट यहाँ पर इस नोटिफिकेशन जिस डेट को आया वो आपका 3 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आपका आ गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 3 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आपका आ गया है। एक्चुअली हम लोग ट्राई करते हैं कि सारे जितने भी नोटिफिकेशन ऑल इंडिया आते हैं वो कवर करें, तो कुछ नोटिफिकेशन थोड़ी देर हो जाती है, फिर भी हम कवर करने का ट्राई करते हैं। और ये जो है आपका 3/8/2022 को आई हुई है, जो आपका पब्लिश हुआ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में उससे एक मंथ तक आपका ये क्लोजिंग डेट है। तो आप 3 सितंबर तक मान के चलिए आपका क्लोजिंग डेट है, तो आप उससे पहले इसको फॉर्म को फिल कर लें। नेक्स्ट देखते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या दिया है, किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिविल के लिए पोस्ट दिए हुए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए सिविल पोस्ट हैं, जिसे आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है और कितने पोस्ट हैं। तो आपका ये देखिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल ग्रुप ए, आपका पे लेवल मैट्रिक्स जो है 11, पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट 1, 3 इयर्स डेपुटेशन पे जॉब है, डेपुटेशन पे आपका जॉब है, जॉब का मोड डेपुटेशन है 3 इयर्स के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है नीचे दी हुई है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए भी है, हम सिविल का देखते हैं। तो ये रहा सिविल का, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए आपका। तो मैक्सिमम एज जो है आपका 56 इयर्स, आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दे रखा है जिसे आप ध्यान रखें, तो वो आपका दे रखा है कि आप कहीं ना कोई पोस्ट जो है हेल्ड करते हो, या आप यहाँ पर एक और चीज़ दी हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर सेम आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, रेगुलर सर्विस आपका ग्रेड पे जो है 5400 होना चाहिए, तो ये एक है। और दूसरा, यदि आप जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर में रहे हैं तो आपका 7 इयर्स का रेगुलर सर्विस आपका ग्रेड पे 4600 रुपये होना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये नेसेसरी है, इसके लिए कंपलसरी है। आगे देखते हैं कुछ चीज़ें क्या दी हुई हैं, फॉर्म का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल नॉट बी इंटरटेन्ड। तो कोई भी नॉन गवर्नमेंट व्यक्ति इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकता है, जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंजीनियर जो क्राइटेरिया मैंने बताया उसको फुलफिल करता है वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपको पोस्ट के थ्रू ही भेजनी है, इसकी पूरी आपको पोस्ट के थ्रू भेजनी है। आपका एड्रेस दिया हुआ है, यह आपका एड्रेस भी दे रखा है, इस एड्रेस पर आपको, और याद रखिए कभी पोस्टल जो भी आते हैं स्पीड पोस्ट से ही सेंड करें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और जो है लास्ट डेट से 10 डेज के अंदर आप इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, इनको अटैच कर सकते हैं। बाकी यदि ये एनवेलप आपको पूरा चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ सारी आपको ये फॉर्म मिल जाएगी। आगे देखते हैं इसमें, तो यही पूरी दी हुई एनवेलप दी हुई है, कैसे कैसे क्या फिल करना है, तो लास्ट डेट से पहले इसे आप फिल करके सेंड कर सकते हैं, पोस्टल एड्रेस जो दे रखा है। तो बाकी ऐसे जॉब नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यदि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अदर किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज या हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।